तो आ गया वापस मेरे चैनल में बुक करके, कोई बात नहीं। चलो अच्छा, आपको थोड़ा सा अपना घर का नज़ारा दिखाता हूँ, बाहर का देखना चाहोगे कैसा है? ये देखो, चलो अब आज देखते हैं क्या मिलता है खाने को। आज तक उसको मीठा मन कर रहा खाने का, एक अच्छी मन तो ऐसे इमरती खाने का, इमरती अगर मिल जाएगी इस टाइम पे तो ले लेंगे, फिर आपको भी दिखाएंगे। नहीं मिली तो फिर देखते कुछ और मिलता है तो। चलो मिलते हैं। आज भुक्कड़ का सेकंड ब्लॉग है, ब्लॉग नंबर 2। तो आज हम बाहर का नहीं खाएंगे, आज हम देसी खाएंगे। देसी क्या मतलब, घर का खाना, माँ के हाथ के बने हुए राजमा चावल, चटनी साथ में, पता ही है क्या है ये, सबको लगती है, और अनियन। अगर स्पून से खाऊंगा तो वो राजमा का मज़ा नहीं आएगा जो देसी खाने में, जो हाथ से खाने में ना, वो स्पून से खाने में नहीं है। तो स्पून रखता हूँ मैं साइड और यूज़ करते हैं हम अपने हाथ माँ के बने हुए राजमा चावल। वाह वाह वाह, इसके बात ही अलग है। मतलब माँ के हाथ का खाना तो कहीं से कंपेयर ही नहीं कर सकता कोई भी, कोई कुछ भी बना ले, कितना भी रेस्टोरेंट बना ले, लेकिन जो माँ के हाथ का खाना का टेस्ट होता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। मिर्ची, वो भाई बहुत तेज है, खड़े हो गए कान मेरे, मिर्ची बड़ी तेज है। पर यार माँ के हाथ का खाना बात ही नहीं है इसकी, यार कोई बात ही नहीं है। चटनी बनाई मैंने, जाओ आप लोग भी खाओ माँ के हाथ का खाना, क्योंकि मुझे इसके लिए कुछ ना, मैं इसकी रेटिंग दे सकता ना कुछ कर सकता, क्योंकि मैं इसकी, मेरी औकात नहीं है कि माँ के खाने को रेटिंग दूँ, क्योंकि ये 1000 से भी ऊपर है, 1 लाख से भी ऊपर है। अरे कोई नंबर ही नहीं है इसका, तो इसकी रेटिंग तो है ही नहीं, बनती ही नहीं है रेटिंग, सुपर से भी ऊपर है खाना। माँ आई लव यू, थैंक यू फॉर इतना टेस्टी खाना बनाने के लिए। तो जाओ बुक्कर के आज के एपिसोड में इतना ही है, बाकी अगली बार कुछ और खाएंगे फिर नई चीज़। इसके साथ मैंने इमरती भी खाई थी, मैं वापस रिवाइंड करके दिखाऊंगा इमरती, वो मैं पीछे वापस रिवर्स करके डालूंगा, डोंट वरी, वो भी दिखाऊंगा आपको इमरती मीठा कैसे टेस्ट होता है। तब तक लिए बाय बाय। आ गया हूँ मैं वापस लेके, आज मिला है इमरती मीठे के नाम पे, मुझे इमरती मिली आज। वैसे बुक्कड़ को तो सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन मीठा मेरा फेवरेट है। तो ये बाकी लोकेशन में आई डोंट नो क्या बोलते हैं दूसरी स्टेट्स में, बट MP में इसको इमरती बोलते हैं। काइंड ऑफ ए जलेबी जैसी होती है, लेकिन जलेबी जैसा टेस्ट नहीं होता, प्रोसेस सेम है लेकिन टेस्ट अलग होगा। तो ये देखो ऐसी दिखेगी, दिख रही है आपको, ये शेप है फ्लावर शेप में, खाते हैं चलो। खाने का मुझे लेने दो, इसमें जलेबी जैसे चीनी होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी जलेबी में चीनी होती है, पर इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, क्रिस्पी थोड़ा ज़्यादा होता ही है। पता नहीं किस चीज़ से बनती है मुझे भी नहीं पता, बट खाने से मतलब है, तो क्योंकि आफ्टर ऑल हमने खाना ही खाना है, और क्या करना है, बनाने वाले बना रहे हैं, हम खा रहे हैं, बनाने वाले का काम बनाना है, हमारा खाना है, ठीक है। चलो देखते हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो तो नहीं बनाई आज, क्योंकि आज छोटी सी वीडियो बनाई, क्योंकि ज़्यादा मैं
खाने पीने का मैं थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा मोटा हो गया हूँ, तो जितना हो सकेगा उतनी वीडियो बनाएंगे। फालतू में एक्स्ट्रा एड करने का फ़ायदा नहीं है, पर जितनी वीडियो बन जाए उतनी अच्छी, जितनी नहीं बने उतनी बेकार। तो ठीक है, जितनी बन गई उतनी सही है, अब मैं फालतू में खींच रहा हूँ ना। चलो बाय बाय, टाटा, अगली वीडियो में मिलते हैं, कुछ और चीज़ देके आता हूँ, दिखाता हूँ। मोस्ट प्रॉबली अगली बार मैं दिल्ली में मिलूँगा तो दिल्ली में ही कुछ ट्राई करते हैं अलग चीज़, क्योंकि दिल्ली में मेरी जॉब है, तो मैं वापस जा रहा हूँ। बाय बाय, टाटा।